बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एलएमएम जी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातब मोहम्मद सईद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल एलएमएम जी मार्केटिंग। आज इस टाइम मैं D17 में खड़ा हूं। 9 मरले का घर है ये, 30x70 का, और ये इतनी खूबसूरत लोकेशन पे है। इस घर का फ़ायदा ये है कि ये एंड कॉर्नर है। एंड कॉर्नर का मकसद ये होता है कि यहाँ पर ये पूरी स्पेस जो है ना गाड़ी खड़ी करने के लिए, ये पूरी स्पेस आपको मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है घर के अंदर, और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे गाड़ियों का मसला ये कॉर्नर है। ये बेसिक है नाले के साथ कॉर्नर, लेकिन ये बारिशी नाला है, ये स्मेली नाला नहीं है। उस लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। ये कॉर्नर भी है और एक्स्ट्रा लेन भी है इसके साथ, और इसके साथ गाड़ियों की पार्किंग का कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि गाड़ियों की पार्किंग का इशू नहीं है। और फ्रंट एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो फुल मार्बल लगा के और ग्रिल लगाई हुई है स्टील की, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर में। इसी तरह ही दरवाज़े की अगर मैं बात करूँ तो दरवाज़ा भी बड़ा सॉलिड और ख़ूबसूरत दरवाज़ा, ब्लैक कलर का दरवाज़ा है, काफ़ी वजनी दरवाज़ा है। और ये इस टाइम मैं आ गया हूँ कार पार्किंग में। कार पार्किंग में भी 2 गाड़ियाँ आपकी प्रॉपर खड़ी हो सकती हैं। समझ लो कि ये 4 गाड़ियों की पार्किंग वाला घर है। अगर मैं इसकी बात करूँ पानी वाले टैंक की, तो ये है पानी वाला टैंक जहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है, और साथ ही यहाँ पर बोरिंग भी हुई हुई है, और ये मोटर भी लगी हुई है, और यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया भी है। इस लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखें यहाँ पे कार पार्किंग में ये जो गेट है ये ड्राइंग रूम के लिए है, और ये गेट ग्राउंड पोर्शन के लिए, और ये अपर पोर्शन के लिए, और ये है विंडो वेंटिलेशन के लिए सीढ़ियों के पास है। अभी हम चलते हैं घर के बारे में आपको पूरी डिटेल बताता चलूँ। ये मेन डोर है, काफ़ी बड़ा डोर है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, लकड़ी का काम कॉस्टली बहुत महंगा होता है, लोग हमेशा इसमें कंजूसी करते हैं, उसको छोटा करते हैं, लेकिन इस ऑनर ने बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया, और सॉलिड लकड़ी का गेट है, और बहुत अच्छा लॉक लगाया है। ये 9 मरले का घर है, 3570 इसको कहते हैं, और बहुत ही मुनासिब कीमत पे, और लोकेशन बहुत प्यारी। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे ग्लास लगा हुआ जिसमें आपको पूरा फेस नज़र आता है आपको। अब हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। अच्छा, जब मैं ड्राइंग रूम में इंटर होता हूँ तो इसको ड्राइंग रूम प्लस बेडरूम आप यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, इसके साथ वॉशरूम है, जिस कबट भी है यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। ये पूरा ग्लास लगा के कॉर्नर के बेनिफिट आपको बताता चलूँ। ये विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए भी रखी हुई है, ये विंडोज़ भी रखी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और ग्रिल लगी हुई सेफ्टी के लिए। इसी तरह ये बहुत बड़ी विंडोज़ है जो रखी गई है वेंटिलेशन के लिए, और ग्रिल लगी हुई सेफ्टी के लिए। और ये है मेन डोर जहाँ से आपका गेस्ट आपके घर के अंदर इंटर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता चलूँ। वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़ा वॉशरूम है, इंग्लिश सीट लगी हुई है, यहाँ पे शावर लगा हुआ है, फैसल का शावर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी ब्रांड है फैसल जिसका शावर है। ये देखिए खूब खूबसूरत सा प्याला, बहुत ही आजकल खूबसूरत से प्याले आ गए बाथरूम में, और ऊपर शावर जो नल लगा हुआ ये भी फैसल का ब्रांड की लगी हुई, टाइल जो लगी हुई वो बहुत अच्छी लगी हुई है। अभी हम चलते हैं घर के सिटिंग एरिया में। आए मैं घर का सिटिंग एरिया देखो। अच्छा, मैं बताता चलूँ, जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो काफ़ी वजनी दरवाजे हैं, पता चल जाता है कि ये हल्का दरवाज़ा है या वजनी। जब आप देखने के लिए आओगे आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाकई घर जो है ना वजनी है, लकड़ी के काम बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मैं बताता चलूँ, ये भी देखें खूबसूरती के लिए इसमें गोल्डन टच दे के इसको वाल को खूबसूरत कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है वाल। यहाँ पर आपका प्रॉपर सोफे आ जाएंगे, एक फिटिंग आ जाएगी प्रॉपर। इसी तरह ही मैं आपको बताता चलूँ, ये है वॉल मीडिया वॉल, यहाँ पे आप मीडिया वॉल पे एलसीडी लग जाएगी। ये देखिए रैक्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं, इसी तरह इसमें भी लगे हुए हैं हाइड्रोलिक, और प्रॉपर लकड़ी का काम करके इसको खूबसूरत किया गया है। अभी हम चलते हैं मास्टर बेड में। ये है जी मास्टर बेड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा मास्टर बेड, और बहुत ही डिसेंट तरह के कलर रखे हुए हैं। विंडोज़ जो है वो टोटली ब्लैक है, और ग्रिल जो है वो भी टोटल ब्लैक की हुई है, एलमोनियम जो है टोटल ब्लैक है। अच्छा, अब हम आते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में बताता चलूँ, यहाँ पे प्रॉपर शावर हो जाता है, ये सीट लगी हुई है। इसी तरह ही अगर मैं इसकी कबट की बात करूँ तो ये है इसकी कबट, यहाँ पे अभी इसके ऊपर लगना है गेट लगने हैं, यहाँ पे कपड़े हैंग करें, यहाँ बच्चों के ये बड़ों के कपड़े सोल्ड करके रखे हैं, बहुत खूबसूरत वॉशरूम। इस टाइम मैं ग्राउंड पोर्शन के दूसरे बेड में इंटर हो गया हूँ। इस वॉल पर भी आप यहाँ पर LCD भी लगा सकते हैं, और ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए, ये एक्स्ट्रा लाइन है इसके साथ, आप इस घर को एक्स्ट्रा लाइन भी यूज़ कर सकते हो। और मज़े वाली बात ये देखें, कबर्ड्स के हैंडल देखिए कितने प्यारे हैं, ये क्या खूबसूरत है, और जैक लगे हुए सब में, हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं, ये देखें
जब इसको आप ऐसे करोगे तो ये आराम से बंद होगा, स्पीड से नहीं बंद होगा, खुद बंद हो गया। ये देखें, जब हम किचन में इंटर होते हैं तो मैं बताता चलूँ, यहाँ पे देखें रैक लगे हुए, यहाँ भी मिरर लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ ताकि खूबसूरत और अंदर की चीज़ें नज़र आएँ, हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं, इसी तरह ही ये बर्नर है और ये साथ हुड लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पे भी देखें, और ये है विंडोज़, ये है गेट बाहर जाने के लिए। अच्छा, अब मैं बताता चलूँ, यहाँ पे भी देखिए दूसरी साइड के अपोजिट साइड पे बर्तन धोने के लिए ये लगा सिंक लगा दिया गया है, डिफरेंट बहुत ही खूबसूरत करके किचन डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे भी आपकी अलमारी है जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो। इसी तरह ही यहाँ पे प्रॉपर फ्रिज रखी जाएगी आपकी, यहाँ पे फ्रिज आ जाएगी, यहाँ पे आपके ओवन वगैरह आ जाएंगे। देखिए सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर डिज़ाइनिंग किया हुआ घर, और लकड़ी का काम बहुत आउट क्लास हुआ हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ हुआ, जितना बोलो उतना कम है। सॉलिड लकड़ी के दरवाजे हैं, सॉलिड लकड़ी की चिगाठें हैं, मिलावट इस घर में है ही नहीं है बिल्कुल। अभी हम चलते हैं, देखिए मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, ये देखिए गेट आपको खुद कैमरे में नज़र आ रहा होगा, कितना खूबसूरत गेट है और काफ़ी मजबूत गेट है, ये लॉक भी बहुत अच्छे वाले लगे हुए हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन। अच्छा, ये मैं जब अपर पोर्शन के लिए बताता हूँ, मैंने बताया था यहाँ से गेट एक जो डायरेक्ट आप रेंट पे दें तो 2 यूनिट हो जाएगा, ये विंडोज लगी हुई है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर बन सकता है आपका। इस टाइम मैं अपर पोर्शन पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ खड़े होकर बताता चलूँ कि ये सीढ़ी डायरेक्ट छत पे चली जाती है। अगर कोई आपका सर्वेंट या कोई ऐसा गेस्ट है उसको आप छत पे सुलाना चाहते हैं तो आपकी घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब किए बगैर छत पे चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको वो रूम विजिट कराता हूँ जो एक्स्ट्रा रूम होता है, जो प्रॉपर कार पार्किंग के नीचे होता है, कार पार्किंग के, ये है कार पार्किंग के नीचे। इसको आप स्टडी रूम बना सकते हैं, इसको आप डाइनिंग रूम बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है। और ये बहुत बड़ा रूम है और इसके साथ विंडोज़ भी है वेंटिलेशन के लिए, और साथ छोटा सा टेरेस है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है छोटा सा टेरेस, यहाँ पे आप लॉन्ड्री कर सकते हैं, यहाँ पे नल भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम में, सबसे पहले मैं आपको इसका ड्राइंग रूम विज़िट कराता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग रूम प्लस बेडरूम है, ये भी यहाँ भी कवर्स बनी हुई हैं। इसी तरह ही यहाँ पे देखिए वॉल पे कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है, ये विंडोज़ कैसी खूबसूरत करके लगाई गई घर के अंदर। इसी तरह ही ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए और ग्रिल है सेफ्टी के लिए। अब मैं आपको इसका बताता हूँ इसका वाशरूम, काफ़ी बड़ा वाशरूम है इसका, और ये है इसका वाशरूम, डिफरेंट कलर की डिज़ाइन, डिफरेंट कलर का प्याला, बहुत ही खूबसूरत शावर, फैसल का सीट, इंडियन, और हर कमरे के हिसाब से इन्होंने अपनी सीटें लगाई हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश सीट नहीं यूज़ कर सकते, इंडियन यूज़ करते। अब मैं आपको इसके घर के अंदर बताता हूँ, देखें वो टोटली सेपरेट हो जाता है ड्राइंग रूम प्लस वो। जब मैं इंटर होता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड पे साथ ही यहाँ पे इंडिया वॉल है, ये देखिए बेहद खूबसूरत, इसके अंदर लाइटिंग कितनी प्यारी, यहाँ आप गुलदस्ते खूबसूरत चीज़ें आर्टिफिशियल आप रख सकते हैं इसमें, डेकोरेशन पीस। और इसी तरह ही ये गेट जो है किचन का है, इस वॉल पे भी यहाँ पे आपके प्रॉपर बहुत बड़ा सिटिंग एरिया, सोफे आ जाएंगे और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इस मालिक ने एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एसी के पैप के जो पानी की पैप होते हैं उसकी लाइन जो है पूरे घर में बिछाई हुई है। आपको घर के अंदर बाल्टी रखने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपने उस लाइन में अपना पैप छोड़ देना तो पानी आपका वॉशरूम में या बाहर गटर में चला जाएगा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसके बेड में चलते हैं हम, मास्टर बेड में। ये है इसका मास्टर बेड, यहाँ पे विंडोज़ लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और जो टाइल और सीलिंग जो लगी हुई बहुत ही खूबसूरत है, सीलिंग भी बहुत खूबसूरत है, लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत हुई हुई है। इसी तरह ही हम अब आ गए वाशरूम में। वाशरूम में जब मैं आता हूँ तो देखिए क्या खूबसूरत है, नया स्टाइल, नया डिज़ाइन, ये पानी आना शुरू हो गया गर्म और ठंडा। इसी तरह ही मुस्लिम शावर, टैंकी, इंग्लिश सीट, शावर भी ऐसे ही है, बहुत प्यारा सिस्टम है शावर का भी। टोटल 3 बेड हैं ऊपर, टोटल 3 बेड नीचे हैं, 4 बेड का ये घर है। आजकल ड्राइंग रूम लोग नहीं रखते हैं इसलिए कि ड्राइंग रूमों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब फैमिली मेम्बर ही आपके घरों में आते हैं। अच्छा, ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए। इसी तरह ही ये कबर्ड्स हैं, आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से ये हैंडल लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लग रहे हैं, और जो जैक लगा हुआ बड़े आराम से बंद होता है। ये है इसका वाशरूम। वाशरूम की मैं बात करूँ तो इसकी जो वाशरूम की सीट है, ये है प्याला नुमा खूबसूरत, बेहद खूबसूरत प्याला नुमा है,
विंडोज़ भी लगी हुई वेंटिलेशन के लिए। आए अपर पोर्शन का किचन देखते हैं, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे भी वही डिफरेंट कलर के रैक्स लगे हुए हैं और ये भी ग्लास लगा हुआ है यहाँ पे भी, और ये हुड लगा हुआ है, ये बर्नर लगा हुआ है। यहाँ पे रैक्स देखें कितने प्यारे स्मूथली आपके रैक जो है वो खुल रहे और बंद हो रहे हैं। इसी तरह ही मार्बल लगा हुआ बहुत खूबसूरत। अब हम चलते हैं इसकी छत पे, आए मैं आपको छत विजिट कराता हूँ। छत पे साथ ही मैं बताता चलूँ, ये लॉन्ड्री है और ये है इसका अपना सर्वेंट रूम, काफ़ी बड़ा सर्वेंट रूम है और साथ ये वॉशरूम है, ये इसका वॉशरूम है, ये है इसका बड़ा टैंक। वाह भाई वाह। अच्छा, दो घरों का, दोनों घरों का पार्टीशन करके एक ही टैंक बना दिया, जगह की जगह कम घेरेगा, यहाँ से पार्टीशन करके दो घर सेल कर रहे हैं एक साथ और दोनों का टैंक एक साथ बना दिया है, लेकिन बीच में दीवार है, ये नहीं है कि आप उधर का पानी इधर, इधर का उधर, नहीं, बीच में दीवार है और बहुत ही खूबसूरत जगह पर यह घर है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, ये देखिए पहाड़, पूरे पहाड़ नज़र आते हैं। अगर मैं इस साइड पे जाऊँ तो ये पूरा मरकज़ है, प्रॉपर मरकज़ पूरा, यहाँ बिल्कुल करीब 3 मिनट की मुसाफत पे पैदल आप जो है इस मरकज़ में जा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको 9 मरले का 30x70 का मकान विजिट कराया। डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो 5 करोड़ रुपये इसकी डिमांड है, कॉर्नर मकान है, और इसके साथ वाला जो मकान है नॉन कॉर्नर उसकी 4.5 करोड़ रुपया डिमांड है। मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रियल एस्टेट के मतलब जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।